नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2020 के अंदर जो है ब्लॉगिंग का करियर क्या एंड होने वाला है, क्या ब्लॉगिंग के बाद करने से कोई इनकम होगी कि नहीं होगी, क्या ब्लॉगिंग हमें करनी चाहिए 2020 में, या फिर जो है ब्लॉगिंग अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये वीडियो में जो है मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल वर्ल्ड, तो वहां पे जाकर आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे जाके आपको सारी चीजें जो है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे वहीं पे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि ब्लॉगिंग जो है वो है क्या। आई एम श्योर आप सभी को पता है ब्लॉगिंग क्या होता है। एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूं यहाँ पे। ब्लॉगिंग मतलब एक वेबसाइट क्रिएट करके वहां पे जो है हम अपने जो भी हमारी हॉबी है, या फिर हमारी हॉबी नहीं है अगर हम उसको काम की तरह भी लेते हैं, तो हम कहीं पे जो है हर रोज या फिर हफ्ते के अंदर दो या तीन बार जो है कुछ नए नए पोस्ट जो है रिलीज करते हैं, यानी कि लिख के टाइप करके कुछ आर्टिकल्स को हमारी वेबसाइट के ऊपर में जो है पब्लिश करते हैं, और उसके जरिए जो है हम लोगों तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है पहुंचाते हैं, और बहुत सारे उनके सॉल्यूशंस के, उनकी प्रॉब्लम से के रिलेटेड जितने भी हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। बेसिकली ब्लॉगिंग जो है अगर शॉर्ट टर्म्स में बोला जाए मतलब कि दूसरों को हेल्प करना। तो यहाँ पे जो है अभी लोगों का सबसे ज्यादा नजरिया किस तरफ आ गया है, YouTube की तरफ। अब YouTube की तरफ क्यों आ गया है, क्योंकि YouTube के अंदर वीडियोस बना के दिखाए जाते हैं। तो आज की डेट में लोग जो है पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके जगह पे वो क्या करना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीजें करनी होती हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ पढ़ने से ही पता नहीं चलती, यहाँ पे वीडियो में विजुअल आपको देखते हैं, और विजुअल जो चीजें हमारी आंखें देखती हैं वो चीजें हमें जो है ज्यादा याद भी रहती हैं, बस ये फर्क है। लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं कि क्या 2020 में जो है ब्लॉगिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है विजुअल की तरफ यानी कि यूट्यूब की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं बता दूं आपको कि हर कोई जो है ब्लॉगिंग के ऊपर नहीं जाता, हर कोई जो है यूट्यूब के ऊपर नहीं आता है। अभी भी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर रेशियो देखा जाए तो 50-50% है। तो 50-50 है तो मतलब अभी भी जो है आने वाले 5-6 साल तक जो है, तो आपको 5-6 साल तो बहुत कम बोल दिया मैंने, आने वाले बहुत लंबे समय तक जो है कम से कम 10-15 साल तक तो डेफिनेटली जितने भी आर्टिकल्स आप लिखोगे, जितने भी आप ब्लॉगिंग करोगे, उसके ऊपर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। अब इसका देता हूं रीजन कि क्यों मिलने वाला है। अब देखो यहां पे YouTube के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वीडियोस कितनी लंबी बनती है, बहुत ही कम बनती है। कोई 10 मिनट की बनाता है, कोई 15 मिनट की बनाता है, और उसके दौरान जो है क्या वो सारी चीजों का रियल प्रैक्टिकल करके बताते हैं, नहीं बताते हैं। मतलब यहां पे जो YouTube के ऊपर नॉलेज दिया जा रहा है, जो चीजें आपको दिखाई जा रही है वो 100% दिखाई नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर वहीं पे लोग आर्टिकल लिखते हैं तो वो आर्टिकल जो है बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा होता है, और हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है, इमेजेस के साथ में डाली जाती है, उसको पूरा लिखा जाता है, और उसमें जो है काफी डिटेल्ड में जो है आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे जाके आप खुद ही ब्लॉग जो है चेक कर सकते हैं। अब यहां पे जो है यूट्यूब के ऊपर माना कि ये चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो है प्रैक्टिकल जो बहुत सारी कमांड्स हैं, जो हमें अगर कोई कमांड्स वहां पे लिखी गई हैं, तो लोग वीडियो को पॉज करके जो है वहां पे नहीं देखते, उसको नोट नहीं करते। लोग कहां पे प्रेफर करते हैं कि यार मेरे को कोई ऐसा आर्टिकल मिल जाए तो जहां पे जाकर मैं क्या करूं वो कमांड्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकूं। और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, अगर ब्लॉगर्स थे वो और आज भी हैं, उन्होंने अपना YouTube चैनल भी ओपन कर लिया है। YouTube चैनल वाले हैं आप देख लेना, खुद ही एनालाइज कर लेना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैक्सिमम के पास खुद की वेबसाइट्स भी हैं, ताकि वो जो है वहां पर भी पूरी डिटेल वीडियो डालते हैं। आप चाहे बड़े से बड़ा चैनल ले लो, छोटे से छोटा चैनल ले लो, या मेरा ही चैनल ले लो, तो मैं भी एक वेबसाइट ओन करता हूं, मेरे पास एक नहीं मेरे पास 7-7 वेबसाइटें मैं चला रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे तो मैं अभी यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मुझे अभी इस चैनल से कोई भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है,
लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी वेबसाइट्स की तो डेफिनेटली मुझे वहां से अर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, आज की डेट में भी जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ब्लॉगिंग के अंदर। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, अच्छी चीजों को अप्रोच करना जानते हैं, तो आप डेफिनेटली यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। 2020 के अंदर भी आपका जो है करियर बहुत ही अच्छा है और अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, लाखों रुपए जो है आप ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं। अब ब्लॉगिंग के क्या टाइप्स होते हैं, ब्लॉगिंग किस किस तरह से आपको करनी है, आने वाले समय में थोड़े से ट्रिक्स जो है आपको चेंज करने पड़ सकते हैं और उनके लिए जो है बहुत ही जल्द मेरे वीडियो चैनल के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप जो है चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो है बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।